हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल झाजी। मैं हूं आपका फ्रेंड अनुप कुमार। दोस्तों, मैं 3-4 महीने से वीडियो नहीं बना रहा था। उसका एक रीजन है क्योंकि मैंने जॉब चेंज किया है और जॉब के साथ साथ मैंने लोकेशन भी चेंज किया है। अब मैं लखनऊ में पहले रहता था, अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूं, तो थोड़ा सेटअप होने में मेरे को टाइम लग गया, लेकिन अब से कंटिन्यूस वीडियो आएगा विदाउट फेल। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है मेरा, जो आज चुना है मैंने, इसलिए है क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, एक ही ईमेल आईडी से बहुत सारे चैनल्स बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बहुत सारे मल्टीपल फील्ड में इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। जैसे कि किसी को एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है और किसी को टेक्निकल चीज में भी इंटरेस्ट है, खाना बनाने भी आता है, तो 3-4 चैनल्स बना लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं गलती कि ईमेल आईडी एक ही रखते हैं हर एक चैनल का। चैनल चल जाता है तो बहुत बढ़िया, चल जाता है, लेकिन जब कभी इशू आती है ना दोस्तों, तो एक्चुअली आप एक ही ईमेल आईडी से अपने सारे चैनल चला रहे हो, तो किसी एक भी चैनल पे अगर इशू आता है ना आपको, तो आपके सारे चैनल्स पे इक्वली इफेक्ट होता है। मान लो कोई स्ट्राइक आ गया या कोई चैनल टर्मिनेट होने वाला है, तो वो ईमेल आईडी से आपका क्या होगा, उस ईमेल आईडी से आपका गूगल एडसेंस कनेक्टेड है और आपका खत्म। आपको करना क्या चाहिए? आप कई बार सोचते होगे, यार मैं अपना ईमेल आईडी चेंज कर देता हूं अपने चैनल का, तो आपको पता नहीं है, लेकिन यार कैसे करना है चेंज? मेरा एक चैनल का ईमेल आईडी ये है, दूसरे का कैसे दूसरा रखूं? तो ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं मैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे एक नया ईमेल आईडी अपने एक पर्टिकुलर चैनल के साथ जोड़ सकते हो और पुराना को परमानेंटली हटा सकते हो वहां से, और बहुत ही ईजी है दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको पूरा ट्यूटोरियल समझाता हूं, लेकिन उससे पहले कहूंगा कि अगर आप नए हो और अभी वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल का, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के, ठीक है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो ये मैंने YouTube लॉगिन कर लिया। आप देख सकते हैं कि मेरे एक सिंगल ईमेल आईडी से मेरे दो YouTube अकाउंट चल रहे हैं। मेरा ईमेल आईडी है anupkumar3000@gmail.com, बट इससे मेरे टेक्निकल झाजी चैनल और फनी झाजी चैनल दोनों के दोनों चल रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने फनी झाजी जो चैनल है उसको लॉगिन करता हूँ और यूट्यूब स्टूडियो पे जाता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो पे जब मैं गया, उसके बाद आप ये जो ऊपर आइकन है मेरे चैनल का, उस आइकन पे जब आप क्लिक करोगे, तो बगल में एक सेटिंग का साइन होगा, उस साइन पे क्लिक करना है। जब वो क्लिक कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके नीचे आपको दबाना है ऐड रिमूव मैनेजर में जब आप दबाओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आप जब मैनेज परमिशन पे क्लिक करोगे, तो आप यहाँ देखोगे कि टेक्निकल झाजी जो है वो प्राइमरी ऑनर है, ठीक है, बट मुझे अभी जो है नया जो मेरा ईमेल आईडी है फनी झाजी का, वो मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए आप राइट कॉर्नर में ऊपर एक प्लस का साइन विद एक आदमी का निशान रहेगा, उसको क्लिक करना है आपको। जब क्लिक करोगे आप उसको, तो उस पर आपको जो है ये पूछेगा ईमेल आईडी जो नया वाला है, वो नया वाला ईमेल आईडी आप जब यहाँ पे ऐड कर दोगे, उसके बाद आपको पूछेगा चेंज रोल, तो आपको अपना बताना है कि रोल क्या रखना है। तो फिलहाल आप इसमें ऑनर क्लिक करके आप जो है इनवाइट भेजोगे। तो अब आपने इनवाइट भेज दिया, अब आप देखो कि आपका प्राइमरी ऑनर जो है वो आपका पुराना वाला ईमेल आईडी है, लेकिन नया वाला पे इनवाइटेड ऑनर करके आ गया है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने नए वाले ईमेल आईडी को जीमेल में जाके लॉगिन करिए। तो मेरे न्यू ईमेल आईडी पे आप देख सकते हो कि टेक्निकल झाजी इनवाइटेड यू टू ऑन फनी झाजी, तो मेरे पास इनविटेशन आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक करूँगा। जब इनविटेशन को एक्सेप्ट करूँगा, तो उसके बाद मेरे को ये रिडायरेक्ट करेगा यूट्यूब के पेज पे। यूट्यूब के पेज पे जब रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे लिखना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जब भी मैंने दबा दिया फनी झाजी को, तो वही मैनेज परमिशन वाले पेज पे आ गया, और मैनेज परमिशन पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ, और जब क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि अब मैं पहले इनवाइटेड ऑनर था, अब मैं ऑनर दिख रहा है मेरा फनी झाजी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको प्राइमरी ऑनर बनाना चाहता हूँ। प्राइमरी ऑनर के लिए मैं क्लिक करूँगा ऑनर के ऊपर, और प्राइमरी ऑनर पर क्लिक करके जब भी ओके करूँगा, तो ये कहेगा ट्रांसफ़र ऑनरशिप। ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए क्लिक करूंगा, लेकिन उसी समय आपका ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको कम से कम एक दिन का वेट करना पड़ेगा, जो नीचे क्लियर लिखा हुआ है। तो मैंने एक दिन का वेट कर लिया है, और अब मैं देखो लिखा हुआ है मेरे ईमेल आईडी पे जो नया वाला है, यू आर नाउ एन ऑनर टू फनी झाजी चैनल। मैंने वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख रहा है गेट स्टार्टेड, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करके फिर से मैनेज परमिशन पे आ गया मैं, वहाँ पे मैं मैनेज परमिशन पे फिर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अगेन मैं जो यहाँ पे फनी झाजी पे मेरा ऑनर लिखा है, उसको चेंज करके प्राइमरी ऑनर दबाऊँगा। जब मैंने प्राइमरी ऑनर दबाया और डन किया मैंने, तो मेरे को अभी ये ट्रांसफ़र करने का दिखा रहा है, इसको मैं ट्रांसफ़र क्लिक कर दूँगा। ट्रांसफ़र क्लिक करते ही जो है यहाँ पे नीचे ट्रांसफरिंग दिखाएगा, और देखिए ऑनरशिप ट्रांसफर करके मैसेज आ गया। अब
यानी जहाजी जो है मेरा प्राइमरी ऑनर है और टेक्निकल जहाजी जो है जस्ट ऑनर है। और लेकिन मुझे अब टेक्निकल जहाजी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो क्रॉस का साइन है वहाँ पे क्लिक करके और वहाँ पे रिमूव करूँगा। यहाँ पे जैसे करते पूछता है ये कि रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने रिमूव दबा दिया और मेरा टेक्निकल जहाजी वाला जो ईमेल आईडी था वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं कर दूँगा डन। अब मेरा जो फनी झाजी का चैनल है वहाँ पे मैं देखिए ऊपर अपने जो लोगो है मेरे चैनल का वहाँ पे जब भी क्लिक करता हूँ तो आप देखो फनी झाजी और मेरा फनी झाजी 2020@gmail.com ईमेल आईडी से मेरा दिखना शुरू हो गया। जैसा कि अब आप सबको पता है कि YouTube जो है वो क्लासिक स्टूडियो के बदले YouTube स्टूडियो वीटा वर्जन में चल रहा है जो अब लाइव हो जाएगा परमानेंटली। तो अब इसमें भी आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सेम और तरीका है चेंज करने का। ऊपर आप जो है अपने लोगो पे क्लिक करेंगे और ये सेटिंग का साइन है वहाँ पे क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दिया कि आप जो है अपना कैसे ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं अपने एक चैनल को टोटली अलग कर सकता हूं दूसरा ईमेल आईडी के थ्रू और दो सेपरेट चैनल सेपरेट ईमेल आईडी से चला सकता हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए जय हिंद।